Hello students, today I am explaining you English to grammar lesson number 8. Topic is comparison of adjectives. आप सबको मैंने अपने वीडियो में देखा ही होगा, आपको थोड़ा आइडिया हो गया हो. ओके, कंपेरिशन मतलब हम कैसे एडजेक्टिव्स को कंपेयर करें, मतलब कोई वर्ड है जो भी हॉट लार्ज बिग उसको कंपेरिशन में कैसे हम करें. कंपेयरिंग इज इन द फॉर्म टू टाइप्स. कैसे हम कंपेयर करते हैं, या तो दो लोगों के बीच हम कंपेयर करते हैं या फिर बहुत सारी बीचों में से किसी एक को स्पेशलाइज करके. ओके, व्हेन वी आर कंपेयरिंग विद टू थिंग्स, ओके, दैट इज कॉल्ड कंपेरेटिव. और बहुत सारी चीज़ों में से किसी एक के बारे में बात कर रहे हैं, दैट इज हैविंग सुपरलेटिव डिग्री. और सिंपली है, ओके, दैट इज पॉजिटिव. नोट, वी यूज कंपेरिशन ऑफ एडजेक्टिव्स टू कंपेयर टू और मोर पर्सन्स प्लेस और थिंग्स. ओके, पर्सन है तो राज इज़ द टॉलेस्ट बॉय इन अवर क्लास, तो मतलब बॉयज़ बहुत सारे हैं, ओके, क्लास के अंदर, बट राज इज़ समवट स्पेशल. पूरी क्लास में बहुत सारे बच्चों के बीच में से सिर्फ राज को ही बोल, ही स्पेशल टॉल. ओके, सो दैट इज़ कंपेयरिंग विद मैनी थिंग्स, तो वो हुआ सुपरलेटिव. सो टॉलेस्ट, सुपरलेटिव में हमारे रूल्स क्या लगता है, EST. व्हेन वी आर कंपेयरिंग, जैसे राज इज एज टॉलर एज टॉल एज ऋषि, तो मतलब राज भी इतना इक्वल है और ऋषि भी, दोनों ही इक्वल, तो हम सिंपल से पॉजिटिव डिग्री लगाते हैं, दोनों को इक्वलाइज ही है, ओके, सेम ही है, तो देन वी आर यूजिंग पॉजिटिव. कंपेरेटिव मतलब हाँ नहीं, ऋषि इज टॉलर देन राज, तो ऋषि लंबा है टॉल से, ओके, मतलब दो लंबे हैं बट ऋषि थोड़ा ज़्यादा लंबा है. देन किसी दो के बीच में से हम किसी एक का बोल रहे हैं तो देन कम्स कंपेरेटिव, और वहाँ पे हम ER यूज़ करते हैं. व्हेन मोर थिंग्स के बीच किसी एक को स्पेशलाइज कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड सुपरलेटिव. ओके, नाउ रीडिंग योर पॉजिटिव डिग्री. वी यूज इट टू से हाउ टू पर्सन्स थिंग्स और प्लेस आर सेम और नॉट सेम, मतलब दोनों अगर सेम है या दो नहीं है सेम, तो उसको बताने के लिए हम बता रहे हैं. ओके, कंपेयर नहीं, किसी के बारे में बात कर रहे हैं, दैट इज ओके. राज इज एज टॉल एज स्मिथ, मतलब दोनों के बीच में हम सिर्फ बात ही करें, नथिंग वी आर कंपेयरिंग विद देम. सेकेंड, सिर्फ कह रहे हैं, जैसे शीला हैज़ ब्रॉट पोटैटो चिप्स, एशीला हैज़ ब्रॉट पोटैटो चिप्स एज रितु, तो मतलब दोनों ने ही पोटैटो चिप्स लाई है. ओके, नथिंग खास है. ओके, बस ऐसे बता रहे के लिए सिंपल, हम किसी की बात कर रहे हैं तो देयर वी यूज पॉजिटिव डिग्री. बट देखो सेकेंड, कंपेरेटिव डिग्री, वी यूज इट टू कंपेयर टू पर्सन्स प्लेसेस और थिंग्स. वी यूज ER देन, ओके, ER और ER के बाद मतलब जो भी एडजेक्टिव है, बिग तो बिगर देन, लार्ज तो लार्जर देन, स्मॉल तो स्मॉलर देन, तो हर किसी एडजेक्टिव के साथ ER लगेगा लास्ट में एंड उसके बाद देन यूज होगा ही. यू कैन सी द एग्जाम्पल, मोटू इज फैटर देन पतलू. देखो हम दो लोगों, मोटू और पतलू दो पर्सन्स हैं, उनके बारे में बात करें, उनके बीच हम कंपेयरिंग कर रहे हैं. मोटू इज़ फैटर मतलब मोटू मोटा है देन पतलू. देखो हमने फैट नॉर्मल वर्ड होता है FAT, ओके, तो हमने यहाँ पे एडजेक्टिव यूज़ किया है. इसमें हमने क्यों डबल टी लगाया, क्योंकि लास्ट वर्ड के आगे वॉवल वर्ड है, तो हमारा रूल्स लगता है वी आर डबलिंग द लास्ट लेटर. ओके, वॉवल वर्ड अगर लास्ट लेटर से सेकेंड वर्ड वॉवल लेटर है, वी आर डबलिंग द लास्ट वर्ड एंड एडिंग ER. सो FAT TER फैटर और देन. ओके, नेक्स्ट कम सुपरलेटिव. सुपरलेटिव कब करते हैं, व्हेन वी यूज इट टू कंपेयर मोर पर्सन प्लेस और थिंग्स, मतलब बहुत सारे लोगों के बीच हम कंपेयरिंग करते हैं किसी के बारे में. देयर वी यूज द, आगे द लगेगा एंड देन कम्स द एडजेक्टिव के साथ EST लगेगा, जैसे द बिग बिगेस्ट, द स्मॉलेस्ट, द टॉलेस्ट. ओके, एग्जाम्पल देखो, माउंट एवरेस्ट इज द हाइएस्ट पीक इन द वर्ल्ड, मतलब बहुत सारे पीक तो है, माउंटेन्स है, ओके, बट माउंट एवरेस्ट सबसे ज़्यादा है, मतलब बहुत सारे माउंटेन्स के बीच पूरे वर्ल्ड में, उसमें से सिर्फ माउंट एवरेस्ट को हम कंपेयर करके बोल रहे हैं, उसके बारे में बता रहे हैं, मतलब पूरे वर्ल्ड में जितने भी पीक हैं उसके बीच हमारी कंपेयरिंग हुई है यहाँ पे माउंट एवरेस्ट की. ओके, उसमें ये हाइएस्ट है. नेक्स्ट, ये हमारी टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज, इट स्टार्ट्स, गिव द कंपेरेटिव एंड सुपरलेटिव ऑफ द फॉलोइंग. ये आपके एग्जाम में भी आएगा, यहाँ पे सब कुछ मिक्स पूछा गया है. ओके, सो फर्स्ट देखो, थोड़ा मिस्टेक है, आई विल डू द करेक्शन इन योर PDF. हैप्पी है, नॉट बाय, हैप्पी, हैप्पियर, हैप्पीएस्ट,
वाई वाला रूल है तो वाई के लिए हमारा क्या रूल है आई ई आर इनकम्पेटिव एंड आई सुपरलेटिव है आई ई एस टी पुअर पुअरर पुअरेस्ट सेकेंड लास्ट लेटर हमारा देन कम्स लेट लेटर लेटेस्ट सैड सैडर सैडेस्ट सेकेंड लास्ट लेटर हमारा वोवल है सो वी आर डबलिंग द लास्ट लेटर डबल डी ई आर सैडर सैडेस्ट थिन वहाँ पे भी सेम वही है लास्ट सेकेंड लेटर इज वोवल ए ई आई ओ यू तो आई आया सो वी आर डबलिंग द लास्ट लेटर थिनर टी एच आई डबल एन ई आर थिनर टी एच आई डबल एन ई एस टी थिनेस्ट मैनी मोर मोस्ट फेमस कुछ वर्ड्स है वहाँ पे हम सिर्फ मोर और मोस्ट लगा के करते जैसे मोर डिफिकल्ट तो मोर डिफिकल्ट मोस्ट डिफिकल्ट ब्यूटिफुल मोर ब्यूटिफुल मोस्ट ब्यूटिफुल तो सेम फेमस में भी ऐसे ही लग रहा है फेमस मोर फेमस मोस्ट फेमस ओल्ड एल्डर एल्डेस्ट यहाँ सेम मैंने आपको बताया था ओल्ड का आप ओल्डर भी लगा सकते हो ओ एल डी ई आर ओल्डर ओ एल डी ई एस टी ओल्डेस्ट भी लिख सकते हो देन टू इट इज़ कंसिडर राइट ओके एल्डर लिखोगे तो भी चलेगा या ओल्डर ओल्डेस्ट लिखोगे तो भी चलेगा देन बैड वर्स वर्स्ट डर्टी डर्टियर डर्टीएस्ट कोल्ड कोल्डर कोल्डेस्ट बिग बिगर बिगेस्ट नाउ ये आपकी टेक्स्ट बुक गिव द ऑपोजिट ऑफ द फॉलोइंग लिख योर फर्स्ट शार्प शार्प मतलब तेज तो ब्लंट ब्लंट मतलब जो धार नहीं है चक्कू में जो हमारी शार्पनेस होती है दैट इज कॉल्ड शार्प अगर वो शार्प नहीं होती दैट इज कॉल्ड ब्लंट अगली ब्यूटिफुल स्टूपिड क्लेवर स्टूपिड मतलब फुलिश ईजी डिफिकल्ट थिन थिक पुअर रिच यंग ओल्ड देन पिक आउट द एडजेक्टिव एंड नेम द डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन उट द एडजेक्टिव्स हमारी एक्सरसाइज यहाँ पे स्टार्ट हो रही बॉम्बे इज वेट बच्चों थोड़ा करेक्शन है ये टॉपिक में वेट आई आपको पीडीएफ ठीक से भेज दूंगी सॉरी यंग ओल्ड के बाद लो हाई स्मॉल बिग भी होता है और ग्रेट भी होता है बोथ इज कंसिडर राइट हॉट कोल्ड वेट ड्राई फुल एम्प्टी ओके ये आपकी एक्सरसाइज है देन थर्ड एक्सरसाइज हमारी स्टार्ट हो रही है पॉइंट आउट द एडजेक्टिव एंड नेम द डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन मतलब आपको एक्सरसाइज में से एडजेक्टिव फाइंड आउट करना है मतलब ओके और आपको बतानी है कौन सी डिग्री है ये अगर कंपैरेटिव है तो कंपैरेटिव लिखनी है पॉजिटिव डिग्री है तो पॉजिटिव डिग्री लिखनी है लुक हियर आपको सिक्स लिखा है दैट इज रॉन्ग यहाँ से हमारी थर्ड की एक्सरसाइज स्टार्ट हो रही है आई विल डू द करेक्शन इन द पीडीएफ अभी के लिए देख लो बॉम्बे इज़ हॉटर दैन शिमला यहाँ पे क्या है बॉम्बे और शिमला दोनों के बीच कंपेयरिंग क्या और ये कौन सा है हमारा एडजेक्टिव वर्ड है हॉटर तो हॉटर हमें निकालो दैट इज ई आर लगाए देखो आपने और दैन है सो दैट इज कंपेरेटिव डिग्री ओके तो हम आंसर लिखेंगे कौन सा एडजेक्टिव है हमारा हॉटर इज द एडजेक्टिव और वो कौन सी डिग्री है कंपेरेटिव डिग्री ओके आपको ऐसे लिखना है आपको अंदर से पिक आउट करना है एडजेक्टिव और देन यू आर राइटिंग डिग्री अशोक वॉज अ ग्रेट किंग तो ग्रेट ओके ग्रेट हम सिर्फ उसी के बारे में बात कर रहे हैं दैट इज सिंपल टॉक कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं दैट इज पॉजिटिव डिग्री ओके ग्रेट हमारा पॉजिटिव डिग्री है गोपाल इज द टॉलेस्ट बॉय इन अवर क्लास इसमें हमारा एडजेक्टिव कौन सा है टॉलेस्ट जैसे ई एस टी ई आर या फिर पॉजिटिव तीनों में से कोई भी डिग्री का वर्ड होगा ओके द टॉलेस्ट ई एस टी लगता है सुपर डिग्री लगती है देन हु इज द बेस्ट प्लेयर ऑफ योर टीम हम बात कर रहे हैं बेस्ट सो गुड बेटर बेस्ट सो बेस्ट इज कॉल इज अवर एडजेक्टिव और उसकी डिग्री लगी है हमारी सुपरलेटिव मिशा इज स्लोअर दैन रिचा तो यहाँ एडजेक्टिव हमारा क्या है स्लोअर और ई आर लगा है सो दैट इज कंपेरेटिव डिग्री द नेक्स्ट इलेवेंथ शी वॉज वेयरिंग अ ब्लू फ्रॉक मतलब इसमें यहाँ पे कुछ भी नहीं वेयर क्या है ब्लू फ्रॉक एडजेक्टिव मतलब कुछ क्वालिटी तो यहाँ पे क्या है ब्लू सो ब्लू इट इज पॉजिटिव वर्ड ओके सो पॉजिटिव डिग्री लगी This is an easy question. तो यहाँ पे easy is our adjective और हम सीधी सी बात कर रहे हैं तो that is easy, easier, easiest. Positive degree, so we are writing positive degree. He got more marks than Manu. Okay?
तो मोर इज द एडजेक्टिव, मोर मोस्ट नहीं, मैनी मोर मोस्ट आता है, सो मोर इज द एडजेक्टिव निकालो. और व्हाट काइंड ईआर है तो कंपैरेटिव डिग्री लगेगा. विच इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ इंडिया, सो हमारा एडजेक्टिव क्या है, लॉन्गेस्ट, क्वालिटी क्या है, लॉन्गेस्ट, ईएसटी लगा, सो इट इज सुपरलेटिव डिग्री. सो ये आपकी पिक आउट, मतलब आपका एडजेक्टिव को सेंटेंस में से पिक आउट करना है और वो कौन सी डिग्री है वो आपको लिखनी, दैट इज द करेक्ट. नाउ कमिंग टू द फोर्थ एक्सरसाइज कमिंग ईयर, सप्लाई द प्रॉपर फॉर्म, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव. मतलब आपको यहाँ पे बता कौन सा है सप्लाई करना है. ओके जैसे आपको साइड में दिया गया है, नंबर वन देखो, फर्स्ट एग्जाम्पल हॉट, आपको जो भी है पॉजिटिव डिग्री या कुछ भी दे दिया है और यहाँ पे सेंटेंस दिया है यू हैव टू सी, अगर दो चीज़ के बीच कंपेयरिंग हुई तो कंपेरेटिव डिग्री लगे, अगर किसी एक के बारे में बोल रहा है तो फिर वो सुपर डिग्री. ओके सो फाइंड आउट, हॉट लिखा है, मे इज डैश देन अप्रैल, मतलब अप्रैल और मई दो चीज़ के बीच में कंपेयरिंग हुई, सो कंपेरेटिव है तो हॉट का क्या हो जाएगा, हॉटर, सो मे इज हॉटर देन अप्रैल. सेकेंड शार्प, योर नाइफ इज शार्प बट माइन इज डैश, योर और माइन मतलब दो लोगों के बीच कंपेयरिंग, तो ये हुआ हमारे कंपेरेटिव डिग्री. तो शार्प, शार्पर, शार्पेस्ट, तो कंपेरेटिव डिग्री में हमारा क्या लगेगा यहाँ पे, शार्पर. देन थर्ड इज रिच, ओके ही इज द डैश मैन इन अवर टाउन, मतलब किसी के बीच में हमारे टाउन में, मतलब अपने शहर में सबसे, मतलब बहुत सारे टाउन में तो बहुत से लोग रहते हैं, टाउन मतलब अपना गांव बोलो या अपना शहर बोलो, उस इतने सारे लोगों के बीच में किसी एक के बारे में बोला गया है, सो दैट इज सुपरलेटिव. ओके रिच का क्या हो जाए, रिचर, रिचेस्ट, सुपर डिग्री में क्या लगता है, ई एस टी. देन थर्ड, फोर्थ वन, लार्ज, नेम द डैश सिटी इन द वर्ल्ड, लार्ज लिखा है, इन द वर्ल्ड बोला है, मतलब पूरे वर्ल्ड के अंदर, वर्ल्ड के अंदर अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया सब कुछ आ गया, मतलब बहुत सारे बीच के कंपेयरिंग हुई, सो लार्ज का क्या हो जाए, सुपर डिग्री लगेगा, लार्ज, लार्जर, लार्जेस्ट, और सुपर डिग्री में क्या लगेगा, लार्जेस्ट. देन फिफ्थ, टॉल, शी इज डैश देन हर सिस्टर, मतलब शी और सिस्टर दो लोगों के बीच तो टॉल चल रहा है, तो दो टॉल की सुपर कंपेयर डिग्री क्या है, टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट, तो ये लगा हमारा टॉलर. ड्राई, ड्राई मतलब सूखा, राजस्थान इज द डैश पार्ट ऑफ इंडिया, सो राजस्थान इंडिया, पूरे इंडिया के बीच में हो रहा है कंपेयरिंग, तो इंडिया में तो बहुत सारे स्टेट है, और ड्राइएस्ट, राजस्थान इज द driest part of India. Next, good, this pen is dash than the other, this or other दो के बीच हो रही है, तो that comes comparative, good, better, best, तो यहाँ पे better comparative degree. Old, my uncle is dash than my father, तो uncle और father दो लोगों के बीच हो रही है, तो आप older भी लिख सकते हो, old, older, तो ओल्ड का एल्डर भी लिख सकते हो या ओल्डर, मैं दोनों ऑप्शंस आपके लिए यहाँ पे लिखे, वो दोनों में से कुछ भी जो भी लिखोगे इट विल बी कंसिडर्ड राइट. सो दिस इज योर टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज, होप यू वुड हैव अंडरस्टूड इट, अगर नहीं समझ में आए तो एक बार और देख लेना. ओके फाइन.